इस फिल्म के प्रायोजक हैं वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार एवं प्रस्तुतकर्ता हैं विकास आयुक्त हस्तशिल्प कार्यालय भारत के हस्तशिल्प का। हस्तशिल्पकार स्वास्थ्य संबंधी सुझाव। भारतीय हस्तशिल्प कला केवल भारत में ही नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। खेतीबाड़ी के बाद हस्तशिल्प हमारे देश का सबसे बड़ा उद्योग है। ये कला करोड़ों लोगों और उनके परिवारों को रोजी रोटी देने के साथ साथ उन्हें सशक्त भी कर रही है। कांच, लकड़ी, कढ़ाई, छपाई, चीनी मिट्टी, धातु जैसे ब्रास, लोहा, चांदी, सोना इत्यादि से बनी कई तरह की हस्तशिल्प कलाएं हैं जो निपुण कारीगरों को प्रेरणा देती है। ये सिलसिला पीढ़ी दर पीढ़ी सदियों से चला आ रहा है, परंतु आज के बदलते परिवेश में इन कला हस्तशिल्पकारों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। शारीरिक, मानसिक और पर्यावरण संबंधी समस्याएं ऐसी गंभीर चुनौती है जो इन खूबसूरत हस्तशिल्प कलाओं के साथ जुड़े कारीगरों, उनके परिवारों और आसपास के क्षेत्रों के पर्यावरण के लिए गंभीर समस्या बन सकती है। ये फिल्म हस्तशिल्पों और उनसे जुड़े शिल्पकारों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं, उनसे बचने के सुझावों को दर्शाने और जागरूकता लाने का एक प्रयास है। नमस्कार। कुछ मुख्य बातें बहुत ध्यान रखने योग्य हैं, जिसकी वजह से हमें मुश्किलें भी आ सकती हैं, लेकिन सही समय पर उनके बारे में जानकर अगर उनसे बचें या सही इलाज कराएं, तो वो कारीगर, चाहे वो अकेला अपने घर में काम कर रहा हो या किसी फैक्ट्री में, वो अपने को, अपने परिवार को और अपने पर्यावरण को सही रखकर शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ लंबी उम्र को पाएगा। इससे वो अपने कला का सही प्रदर्शन भी करेगा और भारत को भी गौरवान्वित करेगा। कार्यस्थल संबंधी बचाव और रोकथाम उपाय। हर कारीगर के लिए पर्याप्त और निर्विघ्न स्थान होना चाहिए। सही दिशा से पर्याप्त रोशनी दिन और रात लगातार आनी चाहिए। तेज आवाज घबराहट व बहरापन पैदा कर सकती है, इसे कम से कम रखा जाए। खिड़कियों और दरवाजों से लगातार हवा आनी चाहिए ताकि घुटन ना हो। कम जगह में अधिक लोग व चीजें ना हो ताकि घुटन और दुर्घटना ना हो। बैठने व काम करने की आसानी हो ताकि थकान या मांसपेशियों में बीमारी ना हो। कारीगर बीच बीच में विश्राम लें ताकि थकान ना हो। खतरनाक जगहों या उपकरणों के साथ बिना सही प्रशिक्षण के कार्य ना करें। जल्दबाजी में काम ना करें, इससे काम खराब होने के साथ साथ स्वास्थ्य और जान का खतरा भी हो सकता है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य संबंधी सुझाव व रोकथाम के उपाय। कारीगर सही समय पर पूर्ण निद्रा लें। समय प्रति समय पौष्टिक आहार लें, पानी व दूसरे द्रव्यों का सेवन करते रहें। नशीले पदार्थों का सेवन ना करें, यह आपकी कला, स्थिति और स्वास्थ्य को कमजोर बनाते हैं। कार्यस्थल पर बीड़ी सिगरेट ना पिए, इससे आग भी लग सकती है। सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, खैनी, जर्दा इत्यादि के सेवन से बीमारियां होने की आशंका बढ़ जाती है। तनाव और उदासी से बचें, लेकिन हो जाने पर डॉक्टरी सलाह लें। सकारात्मक सोच रखें और दूसरों के साथ तुलना या होड़ ना करें। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, सांस फूलना, वजन घटना, किसी कार्य में मन न लगना, कमजोरी, लगातार बुखार, शरीर की सूजन, शरीर के किसी हिस्से से खून, पीलापन, कोई भी नया या लगातार लक्षण बीमारी के सूचक होते हैं, जिनका सही इलाज जरूरी है।
आइए जानते हैं कुछ मुख्य हस्तशिल्पों के बारे में, उनसे जुड़ी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के बारे में, उनके उपाय और बचने के सुझाव। कांच एवं सेरेमिक हस्तशिल्प। प्रतिदिन उपयोग में आने वाली कांच व सेरेमिक की अनेक वस्तुएं जैसे शीशा, सजावटी सामान, रंग बिरंगी चूड़ियां, दिनचर्या में प्रयोग होने वाले चीनी मिट्टी के बर्तन या फिर मनमोहक रंगों से सुसज्जित लैंप शेड्स, ये सभी भारतीय परंपरा के गौरवशाली इतिहास का प्रतिबिंब हैं। कठिन कार्य स्थितियां। टीन के शेडों से ढकी छोटी छोटी कोठरी नुमा कारखानों में काम करते पसीने से लथपथ सैकड़ों कारीगरों को उच्च तापमान वाली भट्टी में कच्चा माल डालना, गरम व पिघले कांच को बाहर निकालना, कांच को मनचाहे आकार में ढालना जैसी खतरनाक स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे कारीगरों के शरीर को जलने व घाव पड़ने का खतरा बना रहता है। गरम कांच या भट्टी से जल जाने से घाव भी बन सकते हैं। प्रतिदिन घंटों धूल और धुएं से भरे कमरों में काम करने से कारीगर ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, आंख में कैटरेक्ट या मोतियाबिंद, लेड पॉइजनिंग इत्यादि बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। फैक्ट्री में काम करने वाले ग्लास ब्लोअर्स में सांस संबंधी समस्याओं की संख्या अधिक पाई गई है। चिमनियों से उठने वाले धुएं से अस्थमा और मेटल फीवर जैसे शारीरिक विकार पैदा हो सकते हैं। ग्लास इंडस्ट्री में कार्यरत कारीगरों के बीच उच्च रक्तचाप, मानसिक समस्याएं, पेट दर्द, सिर का दर्द, आंखों में जलन आदि समस्याएं अधिक संख्या में पाई गई हैं। इसके अलावा सेरेमिक व चीनी मिट्टी की वस्तुओं के निर्माण कार्य में कार्यरत हस्तशिल्पकारों को लेड पॉइजनिंग, अस्थमा व सिलिकोसिस, आंखों में जलन आदि स्वास्थ्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है, जिसका सही समय पर उचित उपचार अनिवार्य है। इन समस्याओं से बचने के सुझाव। खुली जगह में काम करने की कोशिश करें, समय प्रति समय खुली जगह जाकर लंबी सांस लें। ठंडी हवा काम की जगह या फैक्ट्री में लगातार चलती रहनी चाहिए। धूल और धुएं से बचें, मुंह व नाक पर मास्क तथा आंखों पर चश्मा लगाएं। स्वच्छ पानी लगातार व अधिक मात्रा में पिएं। हाथों में दस्तानों और पैरों में जूतों का इस्तेमाल करें। शरीर के अंगों खासकर हाथों और पैरों को ढक कर रखें। थकान होने पर भट्टी के आगे कार्य न करें। भट्टी के आगे ध्यान को भटकने ना दें, यानी बातों और मोबाइल फोन से बचें। सांस की या कोई और तकलीफ होने पर तुरंत डॉक्टरी सलाह लें। घावों में जल्द से जल्द सही मरहम पट्टी करें या डॉक्टरी सलाह लें। कारखाने में कूड़ा कचरा और गंदा पानी जमा ना होने दें। लकड़ी हस्तशिल्प। लकड़ी हस्तशिल्प कला से बना फर्नीचर, कलाकृतियां और घरेलू उत्पाद जहां एक ओर हमारे घरों और कार्यस्थल के सौंदर्य को चार चांद लगाते हैं, वहीं दूसरी ओर धूल, गर्मी व कठिनाइयों भरे माहौल में कार्यरत कारीगर विभिन्न प्रकार की शारीरिक और मानसिक समस्याओं से प्रभावित हो सकते हैं। कठिन कार्य स्थितियां। सैंडिंग और लकड़ी को काटने से पैदा होने वाली लकड़ी की धूल एक संभावित स्वास्थ्य समस्या है और सूजन, सांस लेने में तकलीफ, एलर्जी, निमोनिया, सूखी खांसी, बुखार, वजन घटना और कार्सिनोजेनिक होने के कारण कैंसर जैसी बीमारियों का भी कारण बन सकती है। सामान्यतः लकड़ी की छिलाई के वक्त धूल का अत्यधिक प्रभाव आंखों, नाक, गले और फेफड़ों पर पड़ता है। इसके अलावा कार्यस्थल में आग लगने का खतरा भी बना रहता है। गहरी नक्काशी के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले तेज धार उपकरणों से कारीगरों के शरीर पर घाव और कई प्रकार के इन्फेक्शन हो सकते हैं। लकड़ी हस्तशिल्प कारखानों में कम प्रकाश व्यवस्था की स्थिति आंखों की विभिन्न समस्याओं जैसे मोतियाबिंद, ग्लोकोमा, पिंक आई का भी कारण है। बचाव के लिए सुझाव। संभव हो तो खुली जगह में काम करने की कोशिश करें। समय प्रति समय खुली जगह जाकर गहरी लंबी सांस लेने की कोशिश करें। धूल और बुरादे से बचने के लिए मुंह व नाक पर मास्क और आंखों पर चश्मा लगाएं। मुंह और आंखों को साफ पानी से समय प्रति समय धोते रहें। शीघ्र से शीघ्र घावों में
सही मरहम पट्टी तुरंत करें या डॉक्टरी सलाह लें। चोट लगने पर टेटनेस का टीका डॉक्टरी सलाह लेकर तुरंत लगवाएं। सांस की तकलीफ या कोई और लक्षण होने पर तुरंत डॉक्टरी सलाह लें। धातु हस्तशिल्प। भारतीय धातु व एनग्रेविंग उद्योग पारंपरिक रूप से बने घरेलू बर्तन व साज सज्जा में प्रयोग होने वाली वस्तुओं के निर्माण के लिए विश्व भर में जाना जाता है। धातु उत्कीर्ण उद्योग हर साल कारीगरों के लिए एक बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर प्रदान करता है, लेकिन अगर कुछ बातों का ध्यान न रखा जाए तो कारीगरों को कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। कठिन कार्य स्थितियां। कई तरह की धातु जैसे पीतल, लोहा, तांबा, चांदी, सोना तथा अन्य एलॉयज भारतीय हस्तशिल्पों के निर्माण में प्रयोग होती है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद और आसपास के क्षेत्रों की आबादी के एक बड़े हिस्से में ये कार्य होता है। धातु उद्योग की निर्माण इकाई की धुएं से भरे व भीड़भाड़ वाले कमरे में होने वाली कास्टिंग, स्क्रैपिंग, नक्काशी, साज सज्जा जैसे काम करते कारीगर गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से प्रभावित हो सकते हैं। धातुओं को पिघलाने के दौरान सल्फ्यूरिक एसिड और अन्य रसायनों व तांबे से उठने वाले जहरीले धुएं से सांस संबंधी समस्याएं, फेफड़ों का कैंसर, मेटल फीवर, टीबी जैसी बीमारियां हो सकती हैं। उच्च तापमान वाली भट्टियों में काम करने व पिघला हुआ धातु शरीर पर गिरने से कारीगरों की त्वचा जल सकती है। निकल कोटिंग के दौरान उठने वाले धुएं के द्वारा केमिकल निमोनिया व मैंगनिज्म नाम की बीमारी हो सकती है, जो समय पर इलाज न होने के कारण पार्किंसंस डिजीज जैसे लक्षण प्रदर्शित कर सकती है, जैसे हाथों का हिलना, चाल खराब हो जाना इत्यादि। गुर्दे, पाचन प्रणाली संबंधी विकार, आंखों में जलन, सिर का दर्द, जोड़ों में दर्द, नाक और फेफड़ों का कैंसर इत्यादि धातु हस्तशिल्प उद्योग के व्यावसायिक स्वास्थ्य विकारों को दर्शाते हैं। इन समस्याओं से बचने के सुझाव। खुली जगह में काम करने की कोशिश करें। समय प्रति समय खुली जगह जाकर गहरी लंबी सांस लें। ठंडी हवा फैक्ट्री में चलती रहनी चाहिए। धुएं से बचें। पानी लगातार व अधिक मात्रा में पिएं। मुंह व नाक पर मास्क तथा आंखों पर चश्मा लगाएं। हाथों में दस्तानों और पैरों में जूतों का इस्तेमाल करें। शरीर के अंगों, खासकर हाथों और पैरों को ढक कर रखें। थकान होने पर भट्टी के आगे कार्य न करें। भट्टी के आगे ध्यान को भटकने न दें, यानी बातों और मोबाइल फोन से बचें। रसायनों को बंद करके उनके सही स्थान पर रखें। घावों में जल्द से जल्द सही मरहम पट्टी करें या डॉक्टरी सलाह लें। सांस की या कोई और तकलीफ होने पर तुरंत डॉक्टरी सलाह लें। बांधनी और हाथ ठप्पा छपाई। भारतीय परिधानों को सदियों से देश विदेश के बाजारों में सराहना के साथ साथ एक गौरवशाली स्थान भी प्राप्त है। मनमोहक रंगों से सजे बांधनी और हाथ ठप्पा छपाई से सुसज्जित वस्त्र जहां सभी को अपनी छटा से मंत्रमुग्ध करते हैं, वहीं दूसरी ओर इन वस्त्रों का निर्माण करते कारीगर कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से भी प्रभावित हो सकते हैं। बांधनी या टाई एंड डाई की प्रक्रिया में प्रयोग होने वाले रसायनों का इस्तेमाल अगर सावधानी से न किया जाए तो त्वचा जल सकती है या हाथों व पैरों पर छाले और घाव भी पड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त कपड़े पर हाथ ठप्पा छपाई में प्रयोग होने वाली डाई व रंगों से सांस संबंधी समस्याएं, त्वचा पर जलन, एलर्जी, अस्थमा व सूजन हो सकती है। इससे पर्यावरण, जमीन और पानी भी दूषित हो सकते हैं। समस्याओं से बचने के सुझाव। गर्म पानी के साथ काम करते वक्त ध्यान को भटकने ना दें। शरीर के अंगों, खासकर हाथों और पैरों को ढक कर रखें। हाथों में दस्तानों और पैरों में जूतों का इस्तेमाल करें। आंखों को समय समय पर साफ पानी से धोते रहें व चश्मा लगाएं। कार्यस्थल पर साफ पानी की सप्लाई सुनिश्चित करें। कम से कम एक सुव्यवस्थित उपचार पेटी कार्यस्थल पर रखें। उपचार पेटी में त्वचा के जलने, कटने या घाव से बचाव के लिए दवाइयां होनी चाहिए। प्रयोग में लाए जाने वाले रसायनों को बंद करके उनके सही स्थान पर रखें। रसायनों को बच्चों की पहुंच से बाहर रखें। समय प्रति समय खुली जगह जाकर
गहरी लंबी सांस लेने की कोशिश करें। समय समय पर स्वच्छ और ठंडा पानी पीते रहें। रंगों व रसायन युक्त पानी को कार्यस्थल या आसपास के क्षेत्रों में जमा ना होने दें। फैक्ट्री में फर्श पर काई व फिसलन जमा ना होने दें। इससे फिसलने तथा चोट लगने का जोखिम बना रहता है। सांस की या कोई और बीमारी होने पर डॉक्टरी सलाह लें। घावों में जल्द से जल्द सही मरहम पट्टी करें या डॉक्टरी सलाह लें। हाथ की कढ़ाई। कम रोशनी वाली जगह में कपड़े पर कढ़ाई करने से और आंखों पर तनाव पड़ने से आंखों की रोशनी कम होने के साथ साथ सिर में दर्द व मानसिक तनाव जैसी समस्याएं पैदा कर सकती है। सुइयों के चुभने से घाव भी बन सकते हैं या फिर इन्फेक्शन हो सकता है। कढ़ाई करते समय ध्यान देने योग्य सुझाव। सुनिश्चित करें कि सही दिशा से पर्याप्त रोशनी आनी चाहिए। थक जाने पर देर रात तक काम न करें। ध्यान दें कि सुई शरीर में न चुभे। चुभ जाने पर डॉक्टरी परामर्श के बाद टेटनस का टीका अवश्य लगवाएं। मांसपेशियों में सुरक्षा व बचाव। गतिहीन खिंचाव मांसपेशियों में छोटी या लंबी अवधि में कुछ तनाव उत्पन्न कर सकता है। इसके परिणाम स्वरूप रक्त का प्रवाह घट सकता है, जिससे मांसपेशियों की कोशिकाओं को कम ऑक्सीजन मिल पाती है, जिसके कारण मांसपेशियों में दर्द और भविष्य में स्थायी रूप से विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। मांसपेशियों की बीमारी रोकथाम। यदि आप अपने हाथों को अपने कंधों से अधिक ऊंचाई पर रखकर कार्य कर रहे हैं या स्टेशनरी डेस्कटॉप कार्य करते हैं तो खिंचाव से लगने वाली चोटों के प्रति सचेत रहें। ये भी ध्यान दें कि आप किस अवस्था में खड़े, चल रहे, बैठे, भार ले जा रहे, भार उठा रहे, खींच और धकेल रहे हैं। भार उठाने की सही तकनीकों और मुद्राओं का प्रयोग करें। भार उठाना और ले जाना धीरे धीरे करें। छोटे विराम, खिंचाव एक्सरसाइज, कार्यस्थल का सही खाका और संगठन